हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज आपको बतलाता हूँ कि पत्ती आप कैसे एक्सेप्ट करोगे। पहले मैं आपको दिखला देता हूँ कहाँ पर पत्ती रिसीव होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं नीचे में एक ब्लू कलर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी एक पत्ती, कम से कम आपको एक गिफ्ट चाहिए स्टिकर, उसके बाद ही आपका ये पत्ती ओपन होगा। ओके, तो मैं उसको बोलता हूँ गिफ्ट सेंड करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो एक स्टिकर भेज चुकी है। अब देखते हैं ये कहाँ पर मेरा जो पत्ती कैसे ओपन हुआ है। तो चलिए इसी यूज़र सेंटर पर क्लिक करते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू वाला है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है पत्ती। और अब क्या करना है, इस पत्ती को सेंड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पत्ती को सेंड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद यूज़ नाउ के ऑप्शन पर मुझे क्लिक करना है। तो यूज़ नाउ के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो चलिए यूज़ नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यूज़ नाउ के ऑप्शन जैसे क्लिक किया तो ये आ गया, इसको यहाँ पे डन मार देना तो पत्ती आपको गिफ्ट बैग में आ जाता है। फिर यहाँ से आपको पत्ती सेंड करना है। तो ये देखिए अभी सेकंडों पर में पत्ती सेंड हो जाएगा। देखिए पत्ती सेंड हो गया। फिर आपको फ्रेम लगाने के लिए फिर से आपको ये नीला कलर में चलना है। तो यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ नीले कलर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीला कलर पर मैंने दोबारा क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ फ्रेम का ऑप्शन दिख रहा और इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस ये जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रिसीव सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ये फ्रेम है ये लग चुका है।